तो देखिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या पूछा है हम आपको बता रहे हैं, और आप भी जान लीजिए, समझ लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दिए जाएं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है हेड हैंड्स वुल्फ इवन बिन टू डोर सेट। उसके बाद इन्होंने पूछा व्हाई डिड ही सी हेने इट, यानी प्रश्न इन्होंने ये कहा है क्या हैंड्स वुल्फ भी डोर सेट गए थे, और उसके बाद इन्होंने पूछा उसने क्यों कहा कि वह यह जानते थे। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे नो हैंड्स नेवर वेंट टू डोर सेट एंड हैड लर्नड ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम द स्कूल एंड रीडिंग बुक इन इंग्लिश। यानी कहने का मतलब ये है वो नहीं गए थे, यानी नहीं हैंड्स कभी डोर सेट नहीं गए, और उन्होंने स्कूल और अंग्रेजी में किताबें पढ़ने से इंग्लैंड के बारे में सब कुछ सीखा था। वो गए नहीं थे, किताबों में पढ़कर सब कुछ सीखा था, जाना था। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे थॉमस हार्डी वाज हिज फेवरेट राइटर एंड फ्रॉम हिज नॉवेल्स ही लर्न्ड अ लॉट अबाउट इंग्लैंड। यानी ये लिख लीजिएगा, यानी इन्होंने कहा है, यहाँ पर देख सकते हैं थॉमस हार्डी उनके पसंदीदा लेखक थे, यानी चहेते लेखक थे, लेखक का नाम था थॉमस हार्डी, और उपन्यासों से उन्होंने इंग्लैंड के बारे में बहुत कुछ सीखा था। तो देखिए ये लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6-7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।